A while back, this recipe was a secret hamari, but not anymore. Very easy to make, very quick and very tasty. Let's start. We just have to take some coriander, thoda sa garlic, acche se mashed. We'll put it in a bowl along with a lot of butter because butter hi main hai, garlic, butter, bread, obviously. Thoda sa black pepper. उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, जस्ट अप्लाई ऑन द ब्रेड जितना भी चाहिए. वी आर मेकिंग 6 स्लाइसेस एंड विल पुट इन द ओवन. यहाँ पे वी वांट लाइक इट मोर क्रिस्पी एंड ब्राउन. इफ़ यू वांट इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, तो हमने सेटिंग्स अकॉर्डिंगली किए हैं, विच इज़ अबाउट मोर देन द हाफ ब्राउन शेड एंड वी हैव 6 स्लाइसेस. इट डिपेंड्स ऑन वॉट काइंड ऑफ ओवन यू आर यूजिंग. सो इसको सेट किया एंड दिस इज डन एंड दिस विल स्टार्ट एंड हमारा गार्लिक ब्रेड बननी स्टार्ट हो गई. एंड नाउ व्हेन वी टेक इट आउट, इट लुक्स परफेक्ट लाइक हाउ वी एन्जॉय इट. इट इज़ द परफेक्ट क्रिस्पीनेस, द परफेक्ट ब्राउन. नाउ वी टेक इट आउट, बबलिंग हॉट. बहुत गर्म है इसलिए मोटे वाले ग्लव्स पहने हैं, बिकॉज आई टेंड टू Injure myself always. कुछ ना होएगा तब भी मुझे लगती है. सो मोटे वाले ग्लव्स एंड परफेक्ट ब्राउन है, अच्छा क्रिस्प है. अगेन ये लाइट भी हो सकता है. देन इसके साथ टू अकम्पनी दिस ब्रेड वी ऑलवेज गो इन फॉर सम यमी चीज़ी वाइट क्रीमी चीज़ ब्रेड जो कि यहाँ पर दिख रही है. दिस इज़ अ फुल मील राइट नाउ. टी और इग्नो च्यवनप्राश केला बादाम एंड इसके साथ आइडियली चीज़ स्प्रेड ही लेते हैं, बट हम लोग ऑब्वियसली सब कुछ खा रहे हैं. यम्मी चीज़ स्प्रेड में थोड़ा आर्टिस्टिक करती रहती हूँ कभी कभी एंड वाइट चीज़ स्प्रेड एंड इसमें क्रिस्पीनेस इफ़ यू कैन सी हमें ऐसे ही पसंद है या अगेन सॉफ्ट हो सकता है. सो हियर यू गो.